केंद्र सरकार प्रदेश सरकार भले ही भ्रष्टाचारियों पर लगाम लगाने के लिए लाख प्रयास कर रही हो, लेकिन निचले स्तर में भ्रष्टाचार इस कदर हावी है कि भ्रष्टाचार करने वाले बाज नहीं आ रहे। पूरे देश में एक ओर जहां कोरोना में लगे लॉकडाउन के चलते ग्रामीण मजदूरों को ग्राम पंचायत में ही रोजगार देने के पर जोर दिया गया, तो वहीं मनरेगा जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं में भी व्यापक अनियमितताएं नजर आ रही हैं। गुन्नौर जनपद पंचायत में भ्रष्टाचारियों पर कोई ठोस कार्रवाई न होने के चलते भ्रष्टाचारियों के हौसले बुलंद दिखाई दे रहे हैं। मामला गुन्नौर जनपद पंचायत गुन्नौर के भुलगवा ग्राम पंचायत का है, जहां पर 9,89,000 की लागत से निर्मित सड़क में भ्रष्टाचार किया गया। सीसी सड़क के निर्माण में घटिया किस्म का मटेरियल उपयोग होने के चलते सीसी सड़क एक साल में ही उखड़ गई और कुछ हिस्से में निर्माण ही नहीं किया गया और निर्माण कार्य की राशि फर्जी निर्माण सामग्री के बिल और फर्जी मजदूरी कागजों में दिखाकर राशि आहरित कर ली गई। सीसी सड़क में हुई भ्रष्टाचार की कहानी खुद सीसी सड़क बयां कर रही है, जिससे सीसी सड़क बीच से कई हिस्सों में बट गई, कई जगह आधा अधूरा निर्माण हुआ है। ग्रामीणों का कहना है, कई बार जनपद पंचायत से लेकर जिला पंचायत तक को शिकायत की गई, लेकिन ग्राम पंचायत के निर्माण कार्यों की जांच तो आज तक नहीं हुई। उल्टा भ्रष्टाचार में लिप्त ग्राम पंचायत के जिम्मेदारों ने कई ग्रामीणों पर दबाव बनाने के लिए झूठी शिकायत कर झूठे मुकदमे जरूर लगवा दिए। 5-7 माह पूर्व भी ग्राम पंचायत के ग्रामीणों की शिकायत पर जिला प्रशासन द्वारा निर्माण कार्यों के लिए जांच टीम भी बनाई गई थी, लेकिन अभी जांच नहीं हो पाना जिम्मेदारों की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़ा कर रहा है। जनपद पंचायत की क्रांतिपाली पर सवाल खड़े कर रहा है। जनपद पंचायत गुन्नौर के सीईओ द्वारा मामले की जांच की बात कही गई है। अब देखना यह होगा कि ग्राम पंचायत भुलगवा के निर्माण कार्यों की जांच होगी या फिर पूर्व की तरह इस बार भी भ्रष्टाचार के मामले को दबा दिया जाएगा। ग्लोब इंडिया टीवी के लिए पन्ना से रजनीश रामदेव की रिपोर्ट। इस कार्य की जांच के लिए सहायक मंत्री मिस्टर वी के रसारिया को अधिकृत किया गया था। मैंने भी इसका निरीक्षण किया है। पंचायत द्वारा अभिलेख की मांग की है, अभिलेख जैसे ही आता है जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दें। 7 माह पूर्व जिला पंचायत से आदेश हुआ था, जिसमें आदेशित किया गया था कि 6 जांच 3 दिवस में पूर्ण होना, 7 दिवस में वास्तव जाँच का ना होना, सर इसमें कैसा क्या रहेंगे? पहले की कार्रवाई का मुझे जानकारी नहीं। आपके द्वारा जब मुझे कागज उपलब्ध कराए तब मैं गया था जांच करने। गए थे तो कुछ रोड खराब थी उसमें, तो अभी रिपोर्ट आई नहीं उसकी। रिपोर्ट आएगी तो उसमें कार्रवाई हो जाएगी। करीब 6 माह से जांच चल रही है सर, आज तक रिपोर्ट नहीं आना, या इसमें कैसा क्या मानेंगे, इसको किस दृष्टि से देखेंगे? गए तो फिर देखने, देख तो आए हैं। क्या जाँच में क्या रिपोर्ट आई है? अभी कुछ नहीं दिया, लिख के आया नहीं कुछ। क्यों कार्रवाई नहीं हो पा रही सर, जबकि 6 माह से मामला लंबित है? तो अभी हिसाब से पूछो, क्या नहीं हो पा रही। ग्रामीणों द्वारा बताया जा रहा है कि सरपंच सचिव दबंगई से FIR भी करवा देते हैं यदि भ्रष्टाचार की शिकायत करें तो, इसमें क्या कहेंगे आप? ये तो नहीं पता सरपंच सचिव क्या कहते हैं क्या नहीं कहते। कब तक आखिर इनकी जांच होगी? आ जाएगी, साहब को जांच मिली है, आ जाएगी तो हो जाएगी। इसमें सब मटेरियल घटिया मटेरियल लगा हुआ है एकदम टोटल। इसमें डस्टर डाला गया, गिट्टी ऐसी नावचार के लिए सीमेंट ऐसे लोकल लोग सीमेंट डाल के बनवाया गया, खाली 2 आंगों से ऊपर ज्यादा नहीं हुई है। अच्छा, हाँ। क्या मानेंगे इसका? इसमें बहुत घपला हुआ है। अच्छा, हाँ। क्या मानेंगे इसमें भ्रष्टाचार हुआ है? बहुत भ्रष्टाचार हुआ इसमें। अच्छा, आपके द्वारा शिकायत की जाती है? हमने शिकायत किया था तो मेरी FIR दर्ज कराया था लबरी। हाँ। सरपंच ने सचिव हमने मिल के, हाँ, और मेरे फिर मैंने फिर पैसा दिया था, इसके बाद 100 इनकामा लगाया गया था। इसी रोड को लेकर के इसी रोड में एक बार अभिषेक मिश्रा पे भी केस हुआ है। हाँ, अभिषेक मिश्रा इसी में हुआ था, इसी में मेरा भी किया था। अच्छा, क्या इतना बड़ा भ्रष्टाचार है? हाँ, इस रोड में इतना भ्रष्टाचार है। मैंने तो मैंने कहा कि ढंग बनाते हो, ये रोड जैसे ना बनाओ, यहाँ मटेरियल ढंग से डालो, 2 आंगों से आगे तीसरा आंगो नहीं है इसके अंदर। क्या चाहते हैं शासन से? इसमें कम से कम बने तो ढंग से बने साहब, 1 साल के अंदर तो देखो ये टूट गई, अभी ज्यादा 6 महीना और चलेगी, इसके बाद खत्म हो जाएगी ना रोड। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बाबूलाल दाहिया है।